सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, कैसे यूज करना है, क्या प्राइस है, सारी जानकारियां जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस की शुरुआत कर लेते हैं। ये 170 ग्राम की जो बॉटल है या फिर हम बोल दूं ये स्प्रे है, ये आपका आएगा 159 रुपीज़ में। और ये जो है कोई भी मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर पर मिल सकता है आपको। अगर नहीं मिलता है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो अमेजोन से जो है आप घर बैठे बैठे इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है फिलहाल ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम बात करें ये किन चीज़ों से बनाया गया है, तो देखिए इसमें इथेनॉल आईपी है मेन जो है इसमें कंटेंट है, और दूसरा आपको मिलेगा एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो देखिए जो इथेनॉल है ये भी एक प्रकार का अल्कोहल है, और ये यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को, और परफ्यूम में यूज़ किया जाता है, वार्निश में, मेडिसिन में, ड्रग्स में, टिंचर में, फ्यूल में, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। लेकिन इधर जो है इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम में लाया गया है। और ये जो है हैंड सैनिटाइज़र नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे हम हाथ वगैरह सैनिटाइज कर लेंगे, तो ये गलत है। ये जो है किसी भी चीज़ को जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो कि वायरस, जिसमें कि वायरस की संभावना है या कोई बैक्टीरिया या कोई जम्स आपको ऐसा लगते हैं इसमें है, तो उधर जो है आपको इसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन ये हैंड सैनिटाइज़र नहीं है, और किसी के फेस पर नहीं डालना है आपको, किसी भी कोई भी जो लिविंग थिंग है उस पर इसको यूज़ नहीं करना है। ये केवल नॉन लिविंग थिंग में यूज़ करना है। अब इधर हम यूज के बारे में बात कर लेते हैं, इसको यूज कैसे करना है। तो देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस है इसके वजह से काफी जो है माहौल बना हुआ है, और काफ़ी लोग डरे हुए हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी घर में आता है या किसी भी चीज़ को हाथ लगाता है, तो उसको जो है डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है डे बाय डे फैलता जा रहा है। तो देखिए इसको आप यूज़ कर सकते हो टेबल पर, डेस्क पर, चेयर पर, सोफ़ा पर, और जो डोर की जो नॉब्स होती हैं उन पर यूज़ कर सकते हो, किचन के सिंक पर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसको नल वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, टॉयलेट के एरिए में, मैट्रेस में, कार सीट में, कुटन्स में, कारपेट्स में, कई जगह पर यूज कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही कोई, जैसे मान लीजिए घर में कोई आया, बाहर से कोई आता है घर पर, तो देखिए सबसे पहले वो गेट को खोलता है, बाहर का जो गेट होता है उसको खोलता है, फिर अंदर के डोर को हाथ लगाता है, तो जहां जहां वो हाथ लगाता है तो उसको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आज का जैसे कि मैंने बताया माहौल बेकार है, कोरोना वायरस जो है फैलते जा रहा है, तो हमको डिसइंफेक्ट करना है, हमको अपनी सेफ्टी लेके चलना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस चीज में जो है ये चीज़ जो है इन्फेक्ट हो सकती है, तो उसको डिसइन्फेक्ट आप इसको कर सकते हो, उसको स्प्रे कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसको स्प्रे आपको कहाँ कहाँ नहीं करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई किसी के फेस पर नहीं डालना है, कोई भी लिविंग थिंग में यूज़ नहीं करना, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट्स होते हैं आपको उन पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है करेंट लगने का डर या कुछ जो है डैमेज होने की दिक्कत हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसको यूज़ नहीं करना है, और आँख में, फेस में, और बच्चों से दूर रखना है इसको। और जब भी इसको यूज़ करो ना, तो ग्लव्स अगर आप पहन सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर ग्लव्स नहीं है घर में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज़ करने के बाद जो है अच्छे तरीके से जो है आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। और अगर आँख में गलती से लग जाए, चले जाए, तो तुरंत जो है आपको पानी से धो लेना है, और ज़्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है। और ये जो है हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब इसमें आग जो है लगने का डर है, तो आप जो है कहीं पर भी अगर आपका गैस जल रहा है या कोई भी चीज़ जल रही है उधर से, उससे ये दूर रखना है, क्योंकि इसमें आग लगने का डर है, क्योंकि इसमें अल्कोहल है। और इसको जब भी यूज़ करो ना, तो आप अच्छी तरीके से सेक कर लीजिए, और उसके बाद जो है 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखिए जिसको भी आपको डिसइंफेक्ट करना है। मान लीजिए आपको सोफे को करना है, गेट को करना है, तो उससे 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखिए, और इसको सिंपल प्रेस करना है, और आप देख लीजिए आपको कितना डिसइंफेक्ट करना है, कितना स्प्रे करना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये जो है दोस्तों 100% तो नहीं है, लेकिन 99.99% है, मतलब कंपनी जो है 0.1% की इसमें कमी छोड़ती है। मतलब देखिए 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है, और मेरे ख्याल से तो आज की डेट में ये हर किसी को घर पर रखना चाहिए। अब भाई इसकी स्मेल के बारे में बात करें, तो स्मेल काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो, तो स्मेल अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ भाई मोबाइल को जो है आप डिसइंफेक्ट इससे कर सकते हो या नहीं, तो इधर मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों मोबाइल को मत करिए। अगर मोबाइल में आप स्प्रे मारोगे तो आपको पता है मोबाइल के अंदर अगर ये चला गया तो मोबाइल आपका ख़राब हो सकता है। इधर आप मोबाइल वगैरह को जो है आप सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, तो उससे जो है पहुँच सकते हैं, साफ कर सकते हैं।
थोड़ा सा जो है कपड़े में ले लिया आपने सैनिटाइजर, और उसे अच्छी तरीके से जो है आप मोबाइल को या आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन को या टीवी की स्क्रीन को जो है उससे साफ कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे है, स्प्रे को मेरे ख्याल से ना मारे तो अच्छा रहेगा, और कोई भी जानवर वगैरह में भी ये यूज़ ना करें। अगर आपके घर में कोई भी पालतू कुत्ता वगैरह है, बिल्ली है, आप चाहें तो उसको डिसइन्फेक्ट करना चाहें इससे, तो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ये एक प्रकार से केमिकल होता है। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जो पर्सन को या इंसान को कैसे डिसइन्फेक्ट किया जाए, तो देखिए उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप नहा लीजिए अच्छी तरीके से साबुन से नहा लीजिए, या फिर अपने हाथ पैर अच्छी तरीके से साबुन से धो लीजिए, और जो फेस है उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, चाहे साबुन से करें या फेस वॉश से करें अगर आप बाहर से आते हो तो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। इस प्रकार से दोस्तों सेवलॉन सरफेस डिसइन्फेक्टेंट स्प्रे के बारे में बताया, काफी अच्छा स्प्रे है और आज की डेट में जो है मेरे ख्याल से यूजफुल जो है ये प्रोडक्ट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ काफी कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और अभी कोई डाउट है इसके बारे में तो बिल्कुल मुझे जो है कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आप और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बनी रही हो देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।